खबर रीवा से है, जहां पूर्व विधायक एवं जन अस्मिता यात्रा के संयोजक लक्ष्मण तिवारी ने सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के मुख्यालय स्थित दीनदयाल पार्क में बारिश के बावजूद 1000 से ज्यादा जन समुदाय को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार एवं स्थानीय विधायक पर अपना आक्रोश जताया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों आदिवासियों को ठगने का कार्य कर रही है। सरकार ने रीवा जिले में जितनी भी गौशाला बनवाई है सब भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन गया है। सिरमौर जनपद अध्यक्ष का चुनाव हुआ जिसमें उन्होंने सीधा बीजेपी और कांग्रेस पर हमला बोला। श्री तिवारी ने कहा कि जिस तरह जनमत का अनादर हो रहा है देश के लिए लोकतंत्र के लिए घातक है। कांग्रेस व भाजपा दोनों ही राजनीतिक पार्टियां इसके लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए जनता जनार्दन अब तीसरे विकल्प की ओर अग्रसर हो रही है। सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में बिजली समस्या, स्वास्थ्य शिक्षा काफी लाचार है। बेरोजगारी के चलते सिरमौर क्षेत्र के युवाओं को अन्य राज्यों में पलायन करना मजबूरी है। सरकार की जन कल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार हो रहा है। घोषणाएं सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई। सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में पेयजल, सड़क, बिजली, खाद्यान्न जैसी कई समस्याओं से आदिवासी किसान भाइयों को गुजरना पड़ रहा है। आइए सुनते हैं लक्ष्मण तिवारी ने क्या कहा है। इसमें जनता कह रही है, आप देख रहे हैं कि हजारों हजार भरी बरसात में लोग लगातार आ रहे हैं और बरसते पानी में और बिना कोई व्यवस्था में अधिक यहाँ पर एकत्रित है। इसका मतलब है कि गौवंश की सुरक्षा करना, नौजवानों को काम दिलाना, गोबर प्लांट लगा के इस क्षेत्र का विकास करना, इस क्षेत्र का जो स्थानीय विधायक जनप्रतिनिधि है राजनीति में लूटपाट का अड्डा बनाए हुए हैं उससे निजात दिलाना, और इतना ही नहीं जो सिरमौर क्षेत्र है हमारा रहा इसकी बदनामी हो रही लगातार, खरीद फरोख्त हो रहा है, उससे हर सूरत में मुक्ति दिलाने के लिए लोग अग्रसर हैं। और इसीलिए आप देख रहे बिना ढोई हुई पब्लिक, ये जितने लोग भी आए हैं सब जानते हैं कि पूरे विधानसभा के कोने कोने से अंतिम पोलिंग से लेकर अंतिम पोलिंग तक के लोग यहाँ हैं और प्रतिनिधि के रूप में हैं। अभी तो एक शुरुआत है और मेरा ये कहना है कि अगर सरकार नहीं जागी, हमारे इन प्रमुख मुद्दों पर सरकार आगे नहीं आई और कोई ठोस निर्णय गोबर प्लांट के लिए नहीं करती, ठोस निर्णय एरा प्रदे के लिए नहीं करती, तो ये दीनदयाल पार्क जो ये गुठुआ भर पानी भरा है और बिना कोई व्यवस्था के हम लोग यहाँ पर हैं, इस दीनदयाल के नाम की जो बदनामी है इसको दूर करने के लिए आगामी 2 महीना बाद जरूरत पड़ेगी तो हम धरना प्रदर्शन आंदोलन और इस राह से हम इस यहाँ की जनता को लाभ दिलाएं। सर स्वाभाविक है, मैं कोई शंकराचार्य नहीं हूँ, मैं राजनीति में नेता रहा हूँ, नेता हूँ, प्रदेश लेवल पर नेताओं की मेरी गिनती है, भले ही मैं अकेला हूँ, इसलिए ये तैयारी भी मानिए, जनसेवा भी मानिए। तो सर जो लोग जो जनसेवा के नाम पर लूट रहे हैं हम उससे लूट को बचाने के लिए हम जनसेवा भी है तैयारी भी है, और हम क्या तैयारी करें, जनता तैयारी कर रही, बिना ढोए हुए बिना साधन दिए हुए मैं अपनी अकेले गाड़ी से यहाँ आया हूँ और देख रहा हूँ कि हजारों लोग और हजारों महिलाएँ यहाँ उपस्थित है, तो इस बात का संकेत है कि जरूरत पड़ेगी तो चुनाव भी लड़ा जाएगा।